ओके तो गाइज वेलकम बैक टू ग्रोडी चैनल। गाइज आज की वीडियो में आप लोगों को सीखने को मिलेगा कि आप लोग अपने खुद के नॉर्मल फोटोज़ का बैकग्राउंड जो होता है उनको आप सीवी में कैसे बना सकते हो। गाइज मैं बहुत दिनों से सोच रहा था यूट्यूब पे यार नया कुछ मतलब नया चीज़ सिखाऊँ आप लोगों को, कुछ क्रिएटिव एडिटिंग सिखाऊँ, बट यार कोई आइडिया ही दिमाग में नहीं आ रहा क्या करूँ तो क्या करूँ। फिर मैंने यार ऐसी मतलब नॉर्मली आप लोगों का कॉमेंट्स पढ़ने लग गया। फिर मैंने यार ज़्यादातर देखा यार एक टॉपिक पे यार बहुत मेरे भाई लोग बोल रहे हैं वीडियो बनाने को, वो था भाई सीवी बैकग्राउंड कैसे बनाते हैं अपने नॉर्मल फोटो का। तो आज की वीडियो में गाइस आप लोगों के लिए आपका भाई लेके आ चुका है कैसे बनाते हैं सीवी बैकग्राउंड, आप लोगों को वीडियो में गाइस स्टेप बाय स्टेप पता चलेगा। तो वीडियो गाइस क्या करना है आप लोगों को कंप्लीट देखना है, और वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक करना, ज़्यादा कुछ नहीं यार पसंद आए तभी लाइक करना, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो चलिए यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके तो सबसे पहले आप लोगों को पिक्सआर्ट में अपना नॉर्मल फोटो ओपन कर लेना है, एंड हम नॉर्मल फोटो ओपन करने के बाद सबसे पहले हम अपने आप को जो है निकालेंगे बैकग्राउंड से। तो यहाँ पे रिमूव टूल में आएंगे, एंड गाइस ये रिमूव टूल जब ही वर्क करेगा आपके पिक्सआर्ट में जब आपके मोबाइल का डेटा ऑन होगा, मतलब इंटरनेट कनेक्शन ऑन होना चाहिए तभी ये जो है टूल वर्क करेगा। एंड गाइस जो भी मैं यहाँ पे टूल यूज़ करूँगा आगे भी तो वो भी इंटरनेट कनेक्शन से ही चलेगा, तो आप लोग अपने मोबाइल का डेटा पहले से ऑन रख लेना पिक्सआर्ट यूज़ करने से पहले। एंड इस तरीके से पेंट करके आप लोगों को रिमूव बटन पे क्लिक करना है, तो आपका जो है जो भी आपने सेलेक्ट करा है एरिया वो आपका रिमूव हो जाएगा आसानी से। ठीक है, तो गाइस कभी भी आप पूरे पार्ट को एक साथ मत पेंट करना, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा आपका रिमूव होने में, फिर आप वेट करते रह जाओगे। तो आप लोग थोड़े थोड़े पार्ट को सिलेक्ट कर करके इस तरीके से आप लोगों को रिमूव कर लेना है अपने बैकग्राउंड से अपने आप को, एंड सिंपल राइट वाले बटन पे क्लिक करके डन करना है। एंड फिर से आपको चलना है टूल्स में, एंड इस बार आना है आपको एडजस्टमेंट में। यहाँ पर आपको बैकग्राउंड एडजस्ट करना है लाइटिंग वगैरह इसका, एंड यहाँ पर कंट्रास्ट हम बढ़ा लेते हैं, सैचुरेशन भी बढ़ा लेंगे जिस क्योंकि हम सीवी एडिटिंग कर रहे हैं तो हमारा फोटो में भाई सैचुरेशन होना ही चाहिए। अब ये जो ह्यू का ऑप्शन मिलता है ना गाइस, ये बैकग्राउंड का कलर चेंज हो जाता है इससे। तो आप लोगों को ये देखना है कि आपके बैकग्राउंड में कलर आपका कौन सा अच्छा लग रहा है, तो आप लोगों को गाइस वो कलर रख लेना है। तो मैं गाइस फिलहाल के लिए ये वाला कलर में रखूँगा, एंड सिंपल ऐसे राइट बटन पे क्लिक कर सॉरी पहले इरेजर में आऊँगा, एंड गाइस क्योंकि हमें रोड पर हमें ये कलर नहीं चाहिए तो रोड से हम जो है कलर इरेज कर देंगे। ओके सिंपल हमने जो है अपने बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, अब सिंपल डन कर लिया हमने। अब डन करने के बाद गाइस हमें करना है बैकग्राउंड को ब्लर, तो बैकग्राउंड को ब्लर करने के लिए यहाँ पे टेल शिफ्ट टूल का मैं यूज़ करूँगा, एंड क्योंकि हमारा रोड पे है तो हम रोड को हमें ब्लर नहीं करना, जिस जगह पे हम बैठे हैं वहाँ के एरिए को हमें ब्लर नहीं करना, सिंपल हमें अपने बैकग्राउंड को ब्लर करना है। तो इस तरीके से हमें बैकग्राउंड को ब्लर कर लेना है, एंड यहाँ से चाहे तो हम अपने ब्लर को बढ़ा सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब सिंपल यहाँ से डन कर लेते हैं। अब गाइज यहाँ हमारा बैकग्राउंड भी ब्लर हो गया और हमारा बैकग्राउंड का कलर भी चेंज हो गया। ओके बट गाइज हमारे जो बैकग्राउंड में बुके इफ़ेक्ट्स बनते हैं वो हमें कैसे बनाना है पिक्सआर्ट में, आपको ये ट्रिक अभी तक आप लोगों को नहीं पता होगा। पता अगर अभी चल जाता है और पहली बार आप लोगों को पता चलता है तो यार वीडियो को इस शर्त पर एक लाइक करना है। ठीक है गाइज, तो एक बुके इफेक्ट बनाने के लिए गाइस देखो यहाँ पे एक टूल का जो है यहाँ पे ब्रश का ऑप्शन है, इस टूल को आप लोग हमेशा देखते हो बट यूज़ नहीं करते हो, बट बहुत काम की चीज़ है ये। तो सबसे पहले गाइस ब्रश में आना है, एंड गाइस इसको भी आने के लिए आपको मोबाइल का डेटा ऑन होना चाहिए, याद रहे। ओके अब देखो यहाँ पे बुके इफेक्ट्स का एक ऑप्शन मिल रहा है, तो आप जैसे ही क्लिक करोगे बुके इफेक्ट्स आपका बनाने का मिल जाएगा ब्रश। एंड गाइस यहाँ पर हम ओपेसिटी कम ज़्यादा इसका कर सकते हैं, कितना मतलब हमें ओपेसिटी चाहिए बुके इफेक्ट्स का, एंड ये हम साइज़ यहाँ पर हम सेट कर सकते हैं कितना बड़ा हमें बुके इफेक्ट्स चाहिए। एंड साइज सेट करने के बाद इस तरीके से जहाँ पर आपको बुके इफेक्ट चाहिए उस जगह पर आप लोगों को ड्रॉ करना है इस तरीके से, एंड आपका ऑटोमेटिकली जो है बुके इफेक्ट्स यहाँ पर बन जाएगा, है ना कमाल का गाइस टूल, एंड काफ़ी यूज़फुल है। आप लोगों को पता नहीं था और अभी पता चला है तो यार वीडियो को लाइक कर देना, लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। ओके अब गाइस हमारा सीवी एडिटिंग का बैकग्राउंड बन चुका है, बट हमारा बैकग्राउंड थोड़ा सैचुरेटेड होना चाहिए, तो इसके लिए गाइस इफेक्ट्स में आएंगे एंड कलर में आएंगे। कलर में गाइस आपको लास्ट के सेकेंड नंबर पर आप लोगों को मिलेगा सैचुरेशन का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है एंड इसका सैचुरेशन अमाउंट जो है पूरा 100% कर देना है। एंड फिर गाइज आप डन करते हो तो आपका जो है सीवी बैकग्राउंड यहाँ पर तैयार हो चुका है।
तो भाई इसी तरीके से आप लोग भी अपने नॉर्मल फोटो का बैकग्राउंड जो है सीबी बैकग्राउंड बना सकते हैं। तो यही था गाइस आज के हमारे वीडियो में। आशा करता हूँ यार वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो यार बार बार नहीं बोलूंगा, लाइक कर देना और गाइस कमेंट करके बताना यार वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और गाइस कमेंट में आप लोग ये भी कर सकते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ, जिससे मुझे यार ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, आप लोगों के डिमांड के हिसाब से फिर मैं वीडियो बनाने लग जाऊँगा। और गाइस कमेंट करके जरूर बताना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।